छबी नटखट की हुई मैं दीवानी, एक छबी नटखट की हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर, साब राजा दुजर। उसने मारी जो तिरछी नजर, साब राजा दुजर। सांवरा मेरा सांवरा, भगवान की जय। श्रवण महोत्सव का आज तृतीय दिवस, आज की पावन छवि है महलों में अंगना, अंगने में पलना, पलने में देखो झूले यशोदा का ललना। मैं मंचस्थ विराजमान संतों से निवेदन कर रहा हूं, संत टिकम दास जी, संत रामकृष्ण जी, संत तारक राम जी, श्रवण राम जी, अमृत राम जी पधारे, भगवान की पूजा अर्चना के साथ आज के इस कार्यक्रम में भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आज का मनोरथ आपके चरणों में मूर्त रूप हो। व्यासपीठ की पूजा के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, कुंदनमल जी लोहिया, सहपत्नी दिनेश जी मुंदड़ा, सहपत्नी पधारे, सूरसागर से पधारे हैं जय सिंह जी वासा, उनसे भी निवेदन है पधारे में, सपत्नी मंच पर पधारे। शिवरतन जी राठी खुडियाला, आप भी सपत्नी पधारे। जय जय राधा रमण हरि वो, 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 रमण हरि वो, जय जय राधा रमण हरि वो, जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि वो, जय जय राधा रमण हरि वो, जय जय राधा रमण हरि वो, जय जय
राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु इनके पद वंदन किए ना।
नाशे विघ्न अने लिव लागी पर ब्रह्म सू रतियन खंडेता रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवत भाव के साथ श्रावण महोत्सव के अंतर्गत आज तृतीय दिवस में झूला महोत्सव मनोरथ के अंतर्गत आज हृदय का भाव रहा महलों में अंगना अंगने में पलना पलने में झूले देखो यशोदा का ललना। बड़ी सुंदर आज की ये भावना भगवत कृपा से भक्तों के भाव के अनुरूप देखो भावना मूर्त रूप हुई है आज के दिव्य दर्शन लाभ है। आइए प्रिया प्रीतम आज महल में विराजमान है महल में शीतल मंद सुगंध वायु फूलों की सुंदर महक ठाकुर जी के चरणों में अपना भाव जोड़े चंदन का है पलना रेशम की है डो हरि बोल चंदन का है पलना रेशम की है डो झूला रे झूले देखो नटवर नंद किशोर झूला रे झूले देखो नटवर नंद किशोर चंदन का है पलना रेशम की है डो चंदन का है पलना रेशम की है डो झूला रे झूले देखो नटवर नंद किशोर झूला रे झूले देखो नटवर नंद किशोर यशोदा मैया मन मन फूले आज कन्हैया मेरा पलना में झूले देख यशोदा मैया मन मन फूले आज कन्हैया मेरा पलना में झूले आज खुशी गोकुल में छाई है चारों छाई है चारों झूला रे झूले देखो नटवर नंद किशोर झूला रे झूले देखो नटवर नंद किशोर जाके आंखों में काजल थपक सुलावे मैया
यशोदा को कर जो देवे सखी बधाई यशोदा को कर जो झूलारे झूले देखो नटवर नंद किशोर झूलारे झूले देखो नटवर नंद किशोर चंदन का है पलना रेशम की है डो चंदन का है पलना रेशम की है डो झूलारे झूले देखो नटवर नंद किशोर झूलारे झूले देखो नटवर नंद किशोर चंदन का है पलना रेशम की है डो चंदन का है पलना रेशम की है डो झूलारे झूले देखो नटवर नंद किशोर झूलारे झूले देखो नटवर नंद किशोर छवि वर्णो महिमा झूले की न्यारी देख सखी भई खुशी अति भारी का छवि वर्णो महिमा झूले की न्यारी सब कोई देखे मोहन की ओ सब कोई देखे मोहन की ओ झूलारे झूले देखो नटवर नंद झूलारे झूले देखो नटवर नंद किशोर चंदन का है पलना रेशम की है डो चंदन का है पलना रेशम की है डो झूलारे झूले देखो नटवर नंद किशोर झूलारे झूले देखो नटवर नंद किशोर झूलारे झूले देखो नटवर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय भाव और प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठाएं जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे पावन छवि को हृदय में बसा लें और जो छवि हृदय में अंकित हो जाए उस छवि को निहारते रहें आ
झूले हैं देखो नंदलाला, झूले हैं देखो नंदलाला, झूले हैं देखो नंदलाला, झूले हैं देखो नंदलाला, झूला कदम पे डाला, झूले हैं देखो नंदलाला, झूला कदम पे डाला, झूले हैं देखो नंदलाला, 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 झूला कदम पे डाला, झूले हैं देखो नंदलाला, झूला कदम पे डाला, झूले हैं देखो नंदलाला। जमुना के तट पर झूले सांवरिया, जमुना के तट पर झूले सांवरिया, ओ संग में झूले राधा गुजरिया, संग में झूले राधा गुजरिया, ये है आ ये है गौओं का ग्वाला, झूले है देखो नंदलाला, ये है गौओं का ग्वाला, झूले है देखो नंदलाला, झूला कदम पे डाला, झूले हैं देखो नंदलाला, झूला कदम पे डाला, झूले हैं देखो नंदलाला। सखियां सुनाए, सावन के गीत देखो सखियां सुनाए, सावन के गीत देखो सखियां सुनाए, सावन के गीत देखो सखियां सुनाए, ओ हंस हंस श्याम को झूला झूलाए, हंस हंस श्याम को झूला झूलाए, माता यशोदा का लाला, झूले है देखो नंदलाला, माता यशोदा का लाला, झूले है देखो नंदलाला, 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 झूला कदम पे डाला, झूले है देखो नंदलाला, झूला कदम पे डाला, झूले है देखो नंदलाला। मोर तो नाचे बोले कोयलिया, 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 झूम रही झूले में मोगरे की कलिया, झूल रही झूले में मोगरे की कलिया, सबकी आंखों का तारा, झूले है देखो नंदलाला, सबकी आंखों का तारा, झूले है देखो नंदलाला, झूले देखो नंदलाला, झूले देखो नंदलाला, झूले देखो नंदलाला,
मेरा कदम पे डाला जिले देखो नंद लाला मेरा कदम पे डाला जिले देखो नंद लाला वालन भी झूले झूले गुजरिया 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 मुकड़े पे जैसे चमके बिजुरिया मुकड़े पे जैसे चमके बिजुरिया मुकड़े पे जैसे चमके बिजुरिया मुकड़े पे जैसे चमके मौसम बड़ा मत वाला झूले देखो नंद लाला मौसम बड़ा मत वाला झूले देखो नंद लाला झूले देखो नंद लाला झूले देखो नंद लाला कदम पे डाला झूले देखो नंद लाला झूला कदम पे डाला झूले देखो नंद लाला अरे बोल ब्रज के झूले की महिमा निराली 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 हे भक्तों के दिल पे छाई खुशहाली भक्तों के दिल पे छाई खुशहाली हाँ भक्तों के दिल पे छाई खुशहाली भक्तों के दिल पे छाई खुशहाली नंद बालक राजा झूले देखो नंद लाला नंद बालक राजा झूले देखो नंद लाला 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 झूला कदम पे डाला झूले देखो नंद लाला झूला कदम कदम पे डाला झूले देखो नंद लाला झूला कदम पे डाला झूले देखो नंद लाला झूले देखो नंद लाला झूले देखो नंद लाला झूले देखो नंद लाला बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रावण महोत्सव में आज का ये पावन मनोर महलों में अंगना अंगने में पलना पलने में झूले देखो नंद जी का ललना बड़ा सुंदर आज का ये भाव ठाकुर जी महल में अंगन में झूले में राधा जी के संग विराजमान हैं मारवाड़ी बोली में ठाकुर जी रो भाव है कि भक्तों रो चरित्र सुनो और देखो भगवान ने भक्तों रो चरित्र सुनने रो बड़ो कोड है अपनी आ राजस्थान री भूमि मारवाड़ री भूमि मारवाड़ री धरारे ऊपर मारवाड़ी बोली भी बड़ी मीठी भाषा है अपनी भाषा में कोई बात भगवान ने कहवा तो भगवान बड़ा राजी हो गए मारवाड़ी भाषा रे मायने ओ नरसी जीरो भात जिनने नरसी जीरो मायरो कहवे कई इनने ननी बाईरो मायरो कहवे प्रभु चरणों में चिंतन मनन करतो हुओ निवेदन करने री चेष्टा कर रियो हूं कोकलिया जी
पत्रिका ले जूनागढ़ आया, नरसिंह जी ने वा पत्रिका दीवी, भोजन रे वास्ते कहो, जन नरसिंह जी कहे लेवा देवा ने जो श्री राम जी रो ना, तुम्बो पकड़ाई दियो, गांव निरो ही मोटो है, आटो मांगन लियो। पत्रिका रे चंदन रो छाटो लगाई, नरसिंह जी महाराज अवे वा पत्रिका भगवान ने देवने रे वास्ते गिया, द्वारका रे रस्ता रे ऊपर एक पीपली रो पेड़ वठे ले जाई, वा पत्रिका रख दी, और ज्यों ही पाछा घूमिया के लारे सु भगवान वा पत्रिका उठाई ले। नरसिंह जी महाराज करुणा करी, सगारा कागज आया है, इन नरसिंह रे दो इति जन्मी है, नगर अंजार उनरो विवाह है। ज्यों ही नरसिंह जी करुणा करी, आकाशवाणी हुई, अरे नागरिया कई सोच करो हो, भगवान थारे साथ है। वाणी सुन प्रसन्न भयो मन में धीरज धार, नानी वैरो माहेरो बरसी सिरजनहार। आकाशवाणी सुनी और नरसिंह जी रे मनरे मायने प्रसन्नता होगी, मायरो भगवान वरी, अबे मायरा में जाऊनो साधन करने की है नहीं, वो पुरानो जमानो साधन कटे हा, साधन रो युग तो अबे आयो, पहला तो कटे जाऊनो तो कितने दिन लाग जाऊ, पर अबे तो कटे सु कटे आदमी जनी जान अजिया वे, वो जमानो हो बैलगाड़ी सबसे बड़ो साधन हो, जिन घर में बैलगाड़ो हो तो वो गांव में सबसे मोटो बास, तो फलान जी रे घर में बैलगाड़ो ऐसा, और अबे तो नई नई गाड़ियां आएगी है, और गाड़ियां रा नाम भी अलग अलग, आज नरसिंह जी विचार करियो कि भाई लोगों ने क्यों कोई गाडोली हो तो दे दे, मायरा में हो रहा जाऊं। नरसिंह जी महाराज आप रे भाई लोगों रे कने पहुंचिया है, नरसिंह जी महाराज नानी बैरा माहेरा रो भाइया जस लो जी, नानी बैरे माहेरा रो भाया जस लो, रे चाला छबीरा गाड़ी वे तो दियो भरी, माहेरे चाला छबीरा गाड़ी वे तो दियो भरी, गाड़ी तो होती रे नरसी देता तो खरी जी, गाड़ी तो होती रे नरसी देता तो खरी, पीड़ा होता तो करा, उठिया वाकी टूट गई ने टूट गया हरा हरे, उठिया वाकी टूट गई ने टूट गया हरा तो किया
प्रभु सारे सबका मानी बैरे माहे रानी ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि मायरा में जाऊनो है नरसिंह जी महाराज भाई लोगों रे कने गया है और जान कहवा रे भाई लोगों राम राम जाजू जी अशोक जी सा जय सिंह जी वासा मैं रे चला हाँ आप रे कने गाड़ी बिजी हुए तो दो भाई कहवे गाड़ी तो ही नरसिंह जी थाने जरूर देवता पर गाडोली रा पेड़ा टूट गा बा टूटी लारे पड़ी है तने एक पड़ोसी आयोड़ो बैठो हो वो कहे पेड़ा मारे बटे है पर पूटियों कोई नहीं नरसिंह जी कहे और कहीं चीजे गाडोली अटैन पेड़ा बटे नरसिंह जी महाराज वे पुराना पेड़ा लाई पुरानी गाडोली रे लाइन लगाई दिया अबे गाडोली तो मिल गई देखो एकदम सही है गाडोली तो मिल गई खाली बैलिया मांगना जिया है नरसिंह जी विचार करियो मांगियोड़ी गाडोली मिली तो मांगियोड़ा बैलिया भी मिली फिर जाई नरसिंह जी भाइयों ने कहे रे भाई लोगों राम राम गाडोली तो मारे कने है थारे कने बैलिया हुए तो दो भाई कहे नरसिंह जी बैलिया हा जरूर देवता पर वह तो बूढ़ा होगा दौड़े पड़गा नाता खोल दी गांव रे बारे तड़ाव रे किनारे छोड़ दिया अब जीवता है मर गया मने ठा नहीं नरसिंह जी महाराज जट जावे तड़ाव रे किनारे जाइन देखे रूंकड़ा रे नीचे दो बैलिया बैठा तो है अब जीवता है मरियोड़ा ठाक हो नहीं नरसिंह जी ज्यों ही कने गया और जान कहे रामो राम कहे बैलिया कान फड़फड़ाया नरसिंह जी कहे है तो जीवता नरसिंह जी कहे थारे मरने रा दिन आज कोई नहीं दो चार दस दिन पचे मर जो पहला थे मेरा रो कर्ज करो अबे नरसिंह जी महाराज पूंछड़ा पकड़ बैलियों ने खड़ा करिया टूटा भगा सिंगड़ों से बैलियों ने पकड़िया है टूटोड़ी गाडोली मिल गई और बूढ़ा बैलिया मिल गया बैलियों रे मुंडा में कोई दाढ़ है न कोई दंत नरसिंह जी विचार करियो गाडोली है बैलिया भी मिल गा पर ब्यावरे घर में जावा वटे मायरो वरनो है परिवार ने सब ने साथे ले जाऊं नरसिंह जी भाइयों रे कने जाइन कहे भाई लोगों तैयार हो जाओ जाजू जी चलो मायरे चलो जाजू जी कहे मारे तो अबरू काम धंधो है हम ही राखड़ी सीजन अभी जाई है मारे तो अबरू काम धंधो मने फुर्सत है नहीं अरे नरसिंह जी मने ले जाए कहीं करो थारे साधुड़ा निरही बैठा है नहीं यहां हदों ने ले जाओ अब बताओ यहां हदों ने ले जाए वटे कोई जगण जमो दिराउनो है कहीं नरसिंह जी कहे थे साते नहीं चलो तो कोई बात कोई नहीं एक एक कपड़ो तो दे दो कहे भाई लोग बोलिया मने तो नरसिंह थारी एक टकारी पूछ नहीं है भयारे भरोसे भलाई थे मूछिया मुंडाई लो ए परिवार रा लो यूं तो रोजी ना हाथे उठी बैठी
पर घर में अणो टाणो आवे जण दा को मुजेवड़ी भट्टी जा ज्यू भट्टी जी लोसा पधारो के नहीं सा थारो दोई तो मने उण दी नहीं हूं किकर बोलबो कठारी बात लाइन कठे आडे रखी पर याद राख जो भाईरी शोभा भाईशू या करे आज इन भाईरे घर में आनो टाणो आयो ओ भाई नहीं आई तो चोको लागी कहीं काले इन घर में भी कोई आनो टाणो आई पचे ओ भाई नहीं आई जन बताओ तुम्हारी शोभा घटी बड़ी भाईरी शोभा भाईशू या करे। अबे सब परिवार वाला लोग न तो सत चालने रे वास्ते तैयार हुआ न कोई कपड़ो देवे दो चार बत्ती बातें हुई नरसिंह जी तो आपरे चुप हो गया सुनपरा नरसिंह जी चुप हो गया। नरसिंह जी भगवान ने याद करे सुन नरसिंह चुपचाप वे सुमिरे श्री जगन्नाथ सांवल देसी कापड़ा मारू घिर धर चाले सा परिवार वालों की बात सुन नरसिंह जी तो चुप हो गया। नरसिंह जी तो भगवान ने याद करे भक्तों ने तो भगवान रो ही विश्वास है दुनिया तो मतलब री सुर नर मुनि सब की यही रीति स्वार्थ ला करे सब प्रीति स्वार्थ ने ले सब कोई प्रीति करे पर देखो हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुमार सेवक असुरारी एक तो भगवान और एक भगवान रा प्यारा भक्त ए दो जीवों रे ऊपर बिना हेतु सु कृपा करे। आज नरसिंह जी महाराज भगवान ने याद करे हे सांवरा अबे तो आपरो ही आश्रय है हो मुझे अपना बना ले सांवरिया मुझे अपना बना ले सांवरिया तेरे चरणों में मैं तो पुकार करूं मुझे अपना बना ले सांवरिया तेरे चरणों में मैं तो पुकार करूं 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 मुझे अपना अपना बना ले सांवरिया तेरे चरणों में मैं तो पुकार करूं मुझे अपना बना ले सांवरिया तेरे चरणों में मैं तो पुकार करूं Thank you.
माया की इस बस्ती में, ओ माया की इस बस्ती में, मोह माया की इस बस्ती में, ओ माया की इस बस्ती में, मैं खोया हुआ हूँ मस्ती 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 में, मेरी बाह मेरी राह पकड़ लो सांवरिया, तेरे चरणों में मैं तो पुकार करूं, मेरी बाह पकड़ लो सांवरिया, तेरे चरणों में मैं तो पुकार करूं, जगा दो सांवरिया, तेरे चरणों में मैं तो पुकार करूं, मेरी किस्मत जगा दो सांवरिया, तेरे चरणों में मैं तो पुकार करूं, तेरे चरणों में मैं तो पुकार करूं, तेरे चरणों में मैं तो पुकार करूं, बना लो सांवरिया, तेरे चरणों में मैं तो पुकार, मुझे अपना बना लो सांवरिया, तेरे चरणों में मैं तो पुकार करूं, तेरे चरणों में मैं तो पुकार, तेरे चरणों में मैं तो पुकार, तेरे चरणों में मैं तो पुकार। भगवान कपड़ा दे और भगवानी साते चाली, सात हमारे सिर धनी परमेश्वर परिवार, साधु मायरू बाप है सूर्या मारेला, संतीज मारो परिवार है या संत मारा माँ बाप है, देखो नरसिंह जी ने इष्ट रो कितो भरोसो है, संतवाणी में आवे राम इष्ट आधार बल राम आस विश्वास, इष्ट रे ऊपर पूरी दृढ़ भावना रहनी चाहिए। नरसिंह जी महाराज अबे मायरे जाऊने री तैयारियां करे है, जन नरसिंह जी री लुगाई आपरी सखियां ने कहवे याने स्वामी जी ने समझाओ कनी, ए मोडिया बुरी बलाई है, अबे नरसिंह जी महाराज जाए संतों ने पकड़ पकड़न लावे, मैं ता जी तो मोड़िया ने गेर गेर लावे जे, मैं ता जी तो मोड़िया ने गेर गेर लावे, लावे मोटा दो ही चार आवे, नरसिंह जी महाराज
जावे, एक ने बुलावे अन दो चार रो टोलो हत ही जावे। देखो नरसिंह जी री लुगाई कवे, चूल्हा पाते ठंडी रोटी धरना न पावे जी, चूल्हा पाते ठंडी रोटी धरना न पावे, ऊट तो सवारे नित मांगणिया घर लावे, अरे ऊट तो सवारे नित मांगणिया घर लावे, अरे आज भर भर पीसू तो कुंडा भर भर को भर भर पीसू तो गुंडा भर भर को, चाय मीठा बोडिया ने भूखा मरती रो, अरे चाय मीठा बोडिया ने भूखा मरती रो। एक ने बुलावे अंदर को दो चार रोटोलो हते ही जायो है। ज्ञानदास जी, मानदास जी, संतारा नाम भी अलवेला है, रामजन दास जी, नरसिंह जी संता ने पकड़ पकड़न लाया है। नरसिंह जी री लुगाई कहवे, छुला रे लारे ठंडी रोटी भी है कोनी रमन रहे, छाजलो भर गेहूं पूछू, कुंडो भर आटो पऊ, पर ऐसा दूड़ा तो भुकारा भूका, सुबह सुबह स्नान करने रे वास्ते जावे खिमारे कुए, एक दो मरे ही कोई नहीं, एक दो मर जावे तो की तो रोटी कम करनी पड़े, ऊट सवारे मोडिया सांपड़वाने धावे, एक दो ही मोडियो तो डूब क्यों नहीं जावे। देखो संतारा रूप, मुंड मुंडावे मोडिया लंबी राखे चोटी जी, मुंड मुंडावे मोडिया लंबी राखे चोटी, चाय पीटिया मोडिया री गर्दन लागे मोटी, अरे चाय पीटिया मोडिया री गर्दन लागे मोटी, तो पीर खिचड़ी बैठवाने जाया पीटिया मोडिया रा दूना दूना था, जाया पीटिया मोडिया रा दूना दूना था, प्रभु सारे सब का, नमी वैरे माये राजी ठाकुर जी ने लाज, सीताराम जी ने लाज, राधे श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरे। मुंड मुंडावे मोडियान लंबी राखे चोटी, जाए पीटियां मोडियां री आ गर्दन लागे मोटी। देखो आ चोटी है अपने हिंदू संस्कृति रो रूप है, अपने कोई पूछे कि थे हिंदू हो तो थारे हिंदुओं की पहचान कई है, साधु है तो यहाँ साधुओं की पहचान कई, एक तो साधु रो वेश है आ साधु री पहचान है, और पचे साधु हाथ में तुम भी रखे आ साधु री पहचान है, तो
आप हिंदू हो तो आपरी पहचान कही आ चोटी और धोती आप हिंदुओं की पहचान है, पर अब देखो चोटी लोग ले गया, धोती लोग ले गया। आज लोगों ने चोटी रखना शर्म आ गया, धोती पहननी बनी आ गया। पर याद रख जो अपनी हिंदू संस्कृति की पहचान चोटी और धोती है, और जठे तक आप चोटी नहीं रखोला तो यज्ञ रे मायने भी आपने लाभ नहीं मिले। जो पंडित जी कहीं करे चोटी नहीं रखे जन दो रूंगता भेड़ा कर मोली बंद है। चोटी धोती आ हिंदू संस्कृति की पहचान है, चोटी की कहीं जरूरत है। परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज एक पुस्तक लिखी है सिखा की आवश्यकता, चोटी की कहीं जरूरत है। अठे गीता प्रेस रो सत साहित्य भी आयो है बारे, गीता प्रेस रो स्टॉल है, जरूर आप वठे सु पुस्तक ले। भगवान नाम क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, सत्संग का प्रसाद, गीता माधुर्य, भगवान और उनकी भक्ति, अड़ी अड़ी सुंदर सुंदर पुस्तक अठे उपलब्ध है। आप हरिभक्त जरूर गीता प्रेस रो सत साहित्य लो, संतानी वाणी पढ़ो, चोटी की कई जरूरत है। स्वामी जी महाराज बहुत सुंदर इनरे ऊपर व्याख्या करी है। पर आज देखो अपना चोटी नहीं रखा, पर हिंदू संस्कृति में पहलो स्वरूप चोटी रो बतायो है। नावे तो धोवे ने मोडिया लंबा रखे टीका, जाए पीटिया मोडिया रा दर्शन लागे निका। सुबह सुबह यारा कोई दर्शन कर लेवे तो पचे तो भगवान ही है। यारा ठाट देखो संतारा ठाट, खबर ने तो खीर खींचड़ी बैठवाने पाट जी, खबर ने तो खीर खींचड़ी बैठवाने पाट, जाया पीटा मोडियां रा दूना दूना ठाट, अरे जाया पीटा मोडियां रा दूना दूना ठाट। मोटा मोटा तुम्बा लेकर गाड़ी में धरे, अरे मोटा मोटा तुम्बा लेकर गाड़ी में धरे, छोटी मोटी तुम्बड़ियों की गिनती नहीं जी, छोटी मोटी तुम्बड़िया की गिनती नहीं, बड़ा बड़ा तुम्बा लिया ब्याहों के ताई, बड़ा बड़ा तुम्बा लिया ब्याहों के ताई। संतारा भी एक ठाट है, खावा ने तो खीर खींचड़ी बैठन में है पाट, एड़ा मारे साधु मारा देखो दूना दूना ठाट। अबे नरसिंह जी महाराज देखो अटे मायेरारी तैयारियां करे, मोटा मोटा तुम्बा ले नरसिंह जी महाराज गाडोली में दरिया है, छोटी मोटी तुम्बड़ियों री तो कोई गिनती कोई नहीं, ए मोटा मोटा तुम्बा सब व्ययों रे वास्ते लिया है। ठाकुर जी ने गाडोली रे माने विराजमान कर दिया, करताला मजीरा ढोलक सब साथे लेवे, ठाकुर जी रो सिंहासन भी रख दियो। एक नरसिंह जी महाराज विशेष कपड़ों री पोट लिवी है, उन पोट रे माने चार पांच तो टोपियां हैं, बाकी री सब लंगोटियां हैं। एक बूढ़ा व्यण जी रे वास्ते विशेष माला ली,
उन माला रो एक एक मिणियो सवा सवा सिर रो है। डोकरी री छाती मते माला रख दी तो डोकरी ने हर्ट फैल हो जाए। नरसी जी री लुगाई कहवे क्यों इतना फैल करो हो, यहां हदो ने लेन जाओ हो कुणियारी सेवा करी। क्या नरसी जी आपरी लुगाई ने कहवे, बोली रे जा चुपकी रे जा घर की तू नार जी, बोली रे जा चुपकी रे जा घर की तू नार, तेल को करे लो मारो सिर जनहार हरी, तेल को करे लो मारो सिर जनहार हरी। डोली ने सूर्या लारो छिन्न में पहुंचा सी ठाकुर नगर अंजार, छिन्न में पहुंचा सी ठाकुर नगर अंजार। तू तो बड़का बोली बो, मोडियां बिना तुम्हारी मुगति न हो हरी, मोडियां बिना तुम्हारी मुगति न हो हरी। साधु डारी के लकड़ी जो घर की है नार जी, साधु डारी के लकड़ी जो घर की तू नार, थे चालो तो जीमण जीमो दिन चार साथे ते चालो तो जीवन जीमो दिन चार हरी। भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज जी, भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज, नानी वैरे माये रानी ठाकुर जी ने लाज, सीताराम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि। तो गाडोली और लारे नरसी जी रे देखो लंगर लैंड सूरदास रवाना हुआ है। एक रे लारे एक डबो जुड़ गयो, नरसी जी री लुगाई कहवे करो कहीं हो, यहां हाथों ने लेन हिद रवाना हुआ हो, कुणियारी सेवा करी। नरसी जी कहवे तू चुप रे, थने कहीं जोर आवे, थई संतारे साथे चालो, दो चार दस दिन थई जीमण जीम जो। गांवरा लोग भेड़ा हुआ, देखो रे देखो नरसी जी मायरे जावे। गांव गेर भेली हुई करत सकल मिलसो, नरसी निर्धन जान के कुटुंब करत सगरो। गांवरा लोग भेड़ा हुआ, देखो ये मोटिया रूबा हुआ हंसे, देखो रे देखो नरसी जी मायरे जावे, देखो लोग बातां करे। एक जनो कहवे लेवने देवने की कोई नहीं, होगे भी क्यों गोता खाने जावे, जिते दूजोड़ो कहवे थाने ठा कोई नहीं, नीव तो आयो है तो जिमण ने जावे। देखो देखो ओ भाई साहब, देखो मर्दो नरसी में तो माहेरो ले जावे रे, देखो मर्दो नरसी में तो माहेरो ले जावे रे, भाई बंद नरसी रा बोलिया एक अचंभो आवे, भाई बंद नरसी रा बोलिया एक अचंभो आवे। लेन लेन ने कछु न सूझे के भी गोता खावे रे, कटूली रो पेड़ो पड़ गो जुआड़ो पड़ जावे, काटोली रो पेड़ो पड़ गो जुआड़ो पड़ जावे। काटू
डोली रो पेड़ो पड़ गो जुआड़ो पड़ जावे एक ने उठावे बैलियो दूसरो पड़ जावे हरे एक ने उठावे बैलियो दूसरो पड़ जावे चल प्रभु सारे सबका नानी वैरा माहेरारी ठाकुर जी ने लाज सीताराम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि भाई बेड़ा हुआ देखो देखो नरसी जी माहेरे जावे है कोई कहे देवने लेवने की नहीं बटे क्यों गोता खवने जावे कणी गाडोली रो पेड़ो पड़े तो कणी गाडोली रो जुवाड़ो नीचे पड़ जावे कदी एक बैलियो घुड़े दुजुड़ो एक ने उठावे तो दुजुड़ो घुड़ जावे नरसी जी गाडोली रे मायने बैठा बैठा बैलिया चमकावे लारे सूरदास आको आक मचाइए फुटड़ली चुग ऊंची मेले फाचड़ियां पड़ जावे और फाचड़ियां ने ऊंची धरता तुमड़िया घुड़ जावे तुमड़ोरी माथा में लागे सूरदास आका करे अरे नरसी जी भाई बंद कवे याने जिमण भावे देखो आगे आगे मानदास जी चौका अर्जस गावे संत कई बढ़िया मृदंग बजावे और कई बढ़िया कीर्तन करे वारी हो गुरुदेव आपने बलिहारी संत को कई बढ़िया अर्जस करे आज अपने बीच रे माई ने आज रे इन कार्यक्रम ने सानिध्य प्रदान करने रे वास्ते और आशीर्वाद देने रे वास्ते पधारिया है पूज्य श्री जगदीशपुरी जी महाराज भीलवाड़ा रे कने सकरगढ़ वठे आप रो बड़ो आश्रम है और वटे बहुत बड़ी गौशाला है खूब बढ़िया संतारी वटे सेवा हुए मने भी कई बार सौभाग्य मिलियो आप रे वटे पवन आश्रम रे दर्शन रो इन बार भी आप रे आश्रम से थोड़ी दूरी रे ऊपरी एक जगह सत्संग ही एक रात वटे रुकन आयो मैं पूज्य महाराज श्री रो संत स्वभाव और संत सेवा परायण आपरी भक्ति गौ सेवा रे प्रति अटूट निष्ठा सैकड़ों गायों री सेवा आपरे सानिध्य में हुए अपने जोधपुर रे ऊपर आपरी कृपा है सत्संग भवन सरदारपुरा में कई बार आपरा कार्यक्रम हुआ और इन बार भी सौभाग्य है सूर्य नगरी में आपरो चातुर्मास है सब वक्तों रो आग्रह स्वीकार कर और आज आप इन आयोजन रे मायने आशीर्वाद देने रे वास्ते पधारिया एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाई जोरदार करतल ध्वनि सु संतों रो स्वागत अभिनंदन अटे तो नरसी जी महाराज संतों ने साथे लियोड़ा कई बढ़िया अर्जस गावे और अपारे तो संत विराजिया अटे वारी हो गुरुदेव आपने बलिहारी वारी हो गुरुदेव आपने बलिहारी अरे आपने बलिहारी वारी हो गुरुदेव आपने बलिहारी वारी हो गुरुदेव आपने बलिहारी शब्द की सनकारी दिल बिछ
शब्द की सनकारी, हर शब्द की सनकारी वारी हो गुरुदेव आपने बलिहारी, वारी हो गुरुदेव आपने बलिहारी। दुख भारी गुण कर तो हरि साय भोग तो दुख भारी, हरि भोग तो दुख भारी वारी हो गुरुदेव आपने बलिहारी, वारी हो गुरुदेव आपने बलिहारी। नरसिंह जी महाराज गाडोली में बैठा देखो मृदंग ताल बजावे, पड़ पूठी पड़ फाचड़ा बैलिया पड़े दड़ा,
सांझ पड़ी सूझे नहीं आखड़ पड़े अड़ा। दो घड़ी रात बीत गई है, हाला तो गडोली आगी पासी को नहीं हुई। गांवरा लोग हंसे, मेड़ो मंडियो है, नरसिंह जी देख लो यूं तो किधर पहुंचा। ज्यों ही नरसिंह जी महाराज भगवान सुन लियो जोड़ी, भगवान कहो मारी कदी जरूरत पड़े तो थे केदारो राग गई जो। ज्यों ही नरसिंह जी महाराज केदारो राग गावे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम स्वर से गूंगा वो केदारो राग गावे। और अठीने देखो जाकी धुन साहिब सुन लागी राग केदारो गावे, कांदे कुलाड़ी हाथ बसो लो किसनो खाती आवे। जो नरसिंह जी पुकार करी और भगवान कहीं लीला करे, किसनो खाती बनियोड़ा भगवान दौड़ता दौड़ता आया। अरे कुण हो भाई, अरे रात्रि टाइम कुण जाओ हो, मने भी साथे ले चालो। गणी दूर से भाग रहो थर गाडो लीरेला, गणी दूर से भाग रहो थर गाडो लीरेला, गाडो लीरेला गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजा, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजा। नरसी बोलियो मारे साथ तो के करसी, ओढ़न कपड़ो नाई वठेसी आमरसी, ओढ़न कपड़ो नाई वठेसी आमरसी, ऊँचा बैल टोड़ी गाड़ी पैदल जावे न पार, ऊँचा बैल टोड़ी गाड़ी पैदल जावे न पार, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजा, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजा। मानदास जी बोलिया गडुली तोड़े लो, मानदास जी बोलिया गडुली तोड़े लो, ज्ञानदास जी बोलिया तुम्बा फोड़े लो, ज्ञानदास जी बोलिया तुम्बा फोड़े लो। घनी भीड़ में, घनी भीड़ में, घनी भीड़ में टूटे मारे एक तारा रो तार, घनी भीड़ में टूटे मारे एक तारा रो तार, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजा, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजा। Thank you.
बात देखवा चालू लो पूर्ण पावलो थाली में भी गालू लो पूर्ण पावलो थाली में भी गालू लो चार पांच दिन चौका चौका की मोजी मनवा चार पांच दिन चौका चौका की मोजी मनवा गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर भाग रहे हो तर काटोली रे ला काटोली रे ला गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर वन्या गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर करने लागो मोड़ियारी मनुहार ताड़ी में भी ठाले बाबा जानो है नगर वन्या ताड़ी में भी ठाले बाबा जानो है नगर वन्या जाओ मने भी साथे ले चलो नरसी जी भगवान ने देख न कहीं कवे तुम्हारे हाथे कहीं करी भाई देख थारे कने ओढ़ने रे वास्ते कपड़े ही कोई नहीं बटे ही हमारी मारे बुढ़ा बैल है टूटड़ी गाडोली है थारो मारो हाथ बैठे कोई नहीं तू मोटियार आदमी मैं बुढ़ा आदमी मानदास जी कवे अरे नरसी जी किनू बातें करो हो लुचा लपंगा रात में निरई फिरे अपने कोई बात मत करो मानदास जी कहवे ओ कटई गाडोली तोड़ी ध्यानदास जी कहवे ओ कटई तुम्बा फोड़ी और घनी भीड़ में मारो इकतारा रो तार तोड़ दियो तो काले में भजनी की कर गाऊं भगवान कहवे अरे संता मैं ननी भाई रो बात देखने रे वास्ते चालू पूर्ण पावलो सरजा सरू मैं भी थाल में रखूं संता मैं आपरे साथे रहूं तो चार पांच दिन मैं चौका चौका जीमण जीमू मारोई जीव हरो होई नरसी जी विचार करियो पूरा गांव ने कहो कोई भी पूर्ण पावलो देवनाड़ो तैयार हुयो कोई नहीं ओ कीन की देवनाड़ो आयो तो खरी नरसी जी कहे मोटियार बैठ जा कहीं बिगड़े गाड़ी में बैठ जा भगवान कहे सुनो मैं खाती हूं मैं थारी गाडोली ठीक कर दे हूं जोली मासू दिखा पावड़ा और पाती सुथरारा रास अर्गती बाई लो बसोलो हैंग भगवान हाथे लेन आया है नरसी जी कहे वारे कृष्णा तू तो जोरदार कारीगर है नरसी जी कहे वारे कृष्णा सुन गढ़ दो गाड़ी हमारी कारीगर किसना जी गढ़ दो गाड़ी हमारी कारीगर किसना जी
गाड़ी करी कर गाडोली ने ठीक कर दे भाई, आ गाडोली में भक्तों मांगन लायो हूं। आज मायरा में ऐस गाड़ी आड़ी आई है भाई, देख जगह जगह फाटी दे, इन गाड़ी लिए ठीक कर दे। 16 सूरदास मारे साथे है, माड़ा फेरने री यारे कने युक्ति है, सबरे कने माड़ावा है, सिया मरते री यारी डाडी दुजे है। भाई तू जल्दी गाडोली ने ठीक कर दे। बताओ जिन परमात्मा री एक पलक में सारी सृष्टि रो निर्माण होवे, उन परमात्मा ने गाडोली सुधारता कई देरी लागे। ज्यों ही भगवान गाडोली रे हाथ लगावे और गाडोली तो विमान बन जावे। बोलो आनंद कंद भगवान की। अबे भगवान संतों ने लेन किकर रवाना हुए। और प्रसंग निवेदन करूं, उनसे पहला अपने बीच रे मायने सकरगढ़ सु पूज्य जगदीशपुरी जी महाराज विराजमान है। पूज्य महाराज श्री रे श्री चरणों में नम्र प्रार्थना, आपरो भक्तों ने आशीर्वाद मिले, आपरो मार्गदर्शन मिले, एडी मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। आज रो बड़ो ही पावन दिवस है, भाग जारे संत पाहुणा आवे, चोका भाग होवे, जने देखो संतों रो सुभागमन होया करे। और आज इन बस्ती रा भाग मोला विकास समिति रो हृदय सु बहुत बहुत सम्मान। और लोहिया परिवार, सुनीता जी, राम किशोर जी लोहिया, यारे परिवार ने भी बहुत बहुत साधुवाद कि आप रे सद्भाव सु आज देखो इन मोले रे मायने दूर दूर सु संत पधार और अपने आशीर्वाद दे रिया है। मैं पूज्य महाराज श्री रे श्री चरणों में प्रार्थना कर रही हूं। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं महदेवमात्मा बुद्धि प्रकाशम् मोमोक्षोरो वये शरणमहं प्रपद्ये ओम शांति शांति परम सम्माननीय
मारवाड़ की समरुधुरा के हम सभी के लाडले और भक्तों की पावन कथा के रक्ष रसिक समादरणीय स्वामी राम प्रसाद जी महाराज, इस अति सुंदर एवं विशाल आयोजन के आयोजक समिति, मुख्य यजमान परिवार सुनीता जी, रामकिशोर जी, लोहिया जी, सुंदर आयोजन का आनंद ले रहे हैं सभी प्यारे श्रोतृगण, मातृशक्ति, मैं तो सुनने में ही मग्न हो रहा था, मैंने सोचा भी नहीं कि कुछ बोलना भी है क्या, परंतु महाराज जी का आदेश हुआ है 10-5 मिनट दो शब्द आपके प्रति मैं भगवान की प्रेरणा के अनुसार समर्पित करने का प्रयास करूंगा। जब प्रसंग मैं श्रवण कर रहा था, भक्त के ऊपर भगवान किस प्रकार से अनुग्रह करते हैं, एक दोहा मुझे याद आ रहा था। भगवान कहते हैं कि भूखे मारूं, घर छुड़ा दूं, भूखे मारूं घर छुड़ा दूं, चिमटी ले लूं खाल। चिमटा भरना जानते? भूखे मारूं घर छुड़ा दूं, चिमटी ले लूं खाल, और इतने करते भी ना छोड़े तो फिर कर दूं मैं निहाल। भगवान अपने भक्त की पूरी पूरी परीक्षा लेते हैं, लेकिन भक्त फिर भी भगवान का आश्रय, भगवान का विश्वास, भगवान के प्रति शरणागति को अटूट रखता है, तो भगवान कहते हैं कि फिर मैं उसको निहाल ही कर देता हूं। अभी सुन रहे थे हम लोग, आगे 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 भक्त की टूटी फूटी गाड़ी चल रही है और पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं। कितना अच्छा होता कि भगवान आगे खड़े होकर के गाड़ी को ही खड़ी कर देते, रोको गाड़ी मैं बैठूंगा, पीछे से पुकार कर रहे हैं मुझे बिठा लो, मुझे बिठा लो। भगवान हमेशा भक्त के पीछे ही चलते हैं। सज्जनों, माताओं, श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही है। भगवान श्री कृष्ण को ने उद्धव जी को वहां पर बात कही है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूयेति अंघ्रि रेणु भी। उद्धव, मैं तो हमेशा भक्तों के पीछे पीछे ही चलता हूं, भक्तों के पीछे ही चलता हूं। कौन से भक्तों के पीछे चलते हो नाथ? उद्धव, ऐसे भक्त निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, जिनको संसार से कोई कामना, कोई इच्छा, कोई अपेक्षा नहीं है, निरंतर भगवान के भजन में मौन होकर के चिंतन में लगे हुए हैं, जिनका मन अत्यंत शांत हो चुका है, जिनकी सबके प्रति समान दृष्टि हो चुकी है, सबको एक ही दृष्टि से देख रहे हैं, सर्वत्र समता परमात्मा की, भगवान की दृष्टि हो गई है, ऐसे कोई समदर्शी महात्मा, कोई संत, कोई भक्त मिल जाए, भगवान बोल रहे मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। पीछे चलने से आपको क्या मिलेगा? पूये ये थे अंग्री रेणु भी। उद्धव, मैं इसलिए उनके पीछे चलता हूं,
वो महापुरुष जब चले और उनके चरणों की धूली उड़े और चरणों की उड़ी हुई धूल कहीं मेरे शरीर पर मेरे अंग पर गिरे तो उस धूल से मैं भी पवित्र हो जाऊंगा, इसलिए मैं संतों के भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। तो माताओं सज्जनों, भगवान की तो वो महिमा है। भागवत का एक प्रसंग याद आया, राजा सगर यज्ञ कर रहे थे, 99वें अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं, 100वें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। स्वर्ग के इंद्र देवता को डर लगा, ये राजा यदि इस यज्ञ में सफल हो गया एक न एक दिन मेरी कुर्सी जाएगी, मेरी जगह पर आकर के बैठेगा। इंद्र को भय लगा, यज्ञ का घोड़ा चुरा करके कहीं छुपा दिया। राजा सगर ने देखा घोड़ा किधर गया। राजा सगर की दो पत्नियां थी, सुमति और केशिनी। सुमति से उसने 60,000 पुत्र पैदा किए थे। सगर ने अपने पुत्रों से कहा, बेटाओ यज्ञीय घोड़ा कहीं गायब हो गया, जाओ पता लगाओ, ढूंढ करके लेकर के आओ। पुत्र घोड़ा ढूंढने के लिए गए, कहीं नहीं मिला। पृथ्वी का चप्पा चप्पा छान गए, आखिर पूर्व दिशा की ओर गए जहां आज गंगा सागर आप बोलते हैं। वहां पहुंचने पर कुछ ऐसा एहसास हुआ, मालूम पड़ा भूमि के अंदर कुछ है। सगर पुत्रों ने पृथ्वी को खोदना शुरू किया, खुदाई किया तो अवशेष के रूप में भीतर में नीचे गए, कपिल मुनि का आश्रम मिला। कपिल ध्यानस्थ बैठे हुए हैं और कहीं पास में पेड़ के साथ में घोड़ा बंधा हुआ है। सगर पुत्रों ने सोचा, यह घोड़ा हमारे पिताश्री का यज्ञीय घोड़ा है, लगता है कि बाबा है ना, ये चोर है, ढोंगी है, पाखंडी है, साधु का वेश बनाया, चोर चुरा करके घोड़े को बांध दिया, ये साधु नहीं है, ढोंगी है, पाखंडी है। शोर मचाने लगी। ध्यान में बैठे कपिल की नींद ये समाधि खुली, उनके भजन ध्यान में विघ्न करने का जो पाप लगा, दृष्टि पड़ते ही सगर पुत्र जल करके राख के ढेर हो गए। ध्यान देना, कभी भी कोई संत पुरुष महात्मा या कोई भी परिवार का व्यक्ति भजन में संध्या में उपासना में लगा हो, कभी भी विक्षेप नहीं करना चाहिए, बहुत भारी पाप लगता है, कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जल करके राख हो गए, सगर के सामने डबल समस्या खड़ी हो गई। अब तक तो घोड़ा ही गायब था, 60,000 पुत्र भी गायब हो गए। दूसरी पत्नी थी केशिनी, जिसका पुत्र था असमंजस, जैसा नाम है वैसा ही था। असमंजस समझते हैं आप लोग, क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं, कुछ निर्णय न कर पावे, कोई डिसीजन न ले सके, ऐसा ही था। पिता ने देखा कुछ कर नहीं पाएगा। उसके एक संतान थी जिसका नाम अंशुमान था। अपने दादा सगर ने पौत्र अंशुमान को कहा, बेटा घोड़ा भी पता नहीं कहां गया और तुम्हारे चाचागण भी लौट करके नहीं आए, पता लगाओ। जब अंशुमान ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंचा, कपिल के आश्रम में महात्मा समाधि में बैठे हैं, सामने राख की ढेर लगी हुई है, बीच बीच में हड्डियां चमक रही है और एक तरफ घोड़ा बंधा हुआ है। अंशुमान बड़ा बुद्धिमान था, उसने विचार किया, हो न हो ये घोड़ा दादाश्री का है और ये राख जो पड़ी हुई है, हड्डियां चमक रही है, कहीं मेरे चाचा गुणों की हो, संत के भजन में विघ्न किया होगा, उसका रिजल्ट है ये, मुझे बुद्धि से काम लेना चाहिए। जब तक महात्मा की समाधि न खुली, बदांचली होकर के हाथ जोड़ करके अंशुमान सामने खड़ा हो गया।
समय आने पर जब समाधि टूटी, सामने सुंदर राजकुमार को देखा, कपिल मुनि पूछने लगे, बेटा कौन हो? अपना परिचय दिया, आने का प्रयोजन बताया और मुनि से पूछने लगा, बाबा बताएंगे ये राख का जो ढेर लगा हुआ है, मानव की हड्डियां चमक रही है, ये क्या है और ये घोड़ा किसका है? कपिल मुनि ने कहा कि घोड़ा इंद्र देवता बांध करके गया है और तुम्हारे जैसे कुछ राजकुमार आए थे, यहां पर विक्षेप कर रहे थे, मैंने देखा जल करके राख हो गए। तब अंशुमान को समझ में आई ये चाचा गण है और घोड़ा दादाजी का है। पूछने लगे, महाराज बड़ा अनर्थ हुआ, ये जो चाचा गण आपकी दृष्टि से जल करके राख हो गए, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, इनका उद्धार कैसे होगा, इनको सदगति कैसे मिलेगी? कपिल मुनि कहने लगे, गंगा स्नान करवा दो, सदगति मिल जाएगी। पर गंगा कहां? कहा गंगा स्वर्ग में है, स्वर्ग की गंगा मृत्यु लोक में कैसे आएगी? बोले तपस्या में शक्ति है, तप करो। गंगा को अवतरित करवाने के लिए अंशुमान ने सारी जिंदगी तप किया, लेकिन गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। उनके बाद उनके पुत्र दिलीप आए, उन्होंने कठोर तपस्या की, फिर भी गंगा प्रसन्न नहीं हुई। आखिर राजा भगीरथ आए और जिन्होंने कठोर आराधना करके भगवती गंगा को प्रसन्न किया और भगवती गंगा मूर्तिमान होकर के सामने खड़ी हो गई। वरमरोही मांगिए वरदान मांगिए। तब भगीरथ ने वरदान मांगा कि मां आप भौतिक रूप से इस धरती पर अवतरित हो तो हमारे चाचा गुणों के अस्थियों को स्पर्श मिले, उनका उद्धार हो जाए। ध्यान दीजिए, उस वक्त गंगा जी ने दो प्रश्न सामने रखे, समस्या रखी। मैं आने को तैयार हूं मगर दो समस्या हैं। पहली, अगर मेरे वेग को कोई रोकने वाला न मिला, मैं धरातल को फाड़ करके रसातल में चली जाऊंगी, तुम्हारा काम सिद्ध नहीं होगा। कदाचित यदि मुझे रोकने वाला कोई मिल गया तो दूसरी समस्या और भी प्रबल है। ये मर्त्य लोक में कितने पापी लोग होते हैं, आएंगे मेरे भीतर स्नान करेंगे, मैं उनका पाप हरण कर लूंगी। वो पापी लोग स्नान करके सारा पाप मेरे भीतर छोड़ जाएंगे। पापियों का पाप एकत्रित करते 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 मेरे भीतर में पाप ही पाप इकट्ठे हो जाएंगे। अब जैसे गली में भक्त ही भक्त बैठे हैं, गंगा जी कहने लगी, भक्त हो तो अच्छी बात है पर मेरे भीतर तो पाप ही पाप इकट्ठे हो जाएंगे, मेरा जीवन ही पापमय हो जाएगा, उन पापों को धोने के लिए मैं कहां जाऊंगी, मैं कैसे शुद्ध होऊंगी? तब राजा भगीरथ ने जवाब दिया कि मां आपके वेग को रोकने के लिए तो महादेव भगवान से प्रार्थना करेंगे, आशुतोष आपके वेग को रोकें, उसका तो समाधान होगा, लेकिन दूसरी तो समस्या ही नहीं है, समाधान कहां चाहिए उसका? आप कहते हो पापी आएंगे पाप छोड़ जाएंगे, मैं पाप धोने कहां जाऊंगी? मां ये मत सोचो कि धरती पापियों से ही भरी है। अरे गुलाब का पौधा होता है कांटों ही कांटों से भरा होता है, लेकिन उसके भीतर में जो गुलाब खिलता है, देखो तो सही, आप सारे फूलों का राजा होता है। इस धरती पर पापी ही पापी नहीं रहते हैं, इन पापियों के बीच में भी ऐसे ऐसे त्यागी तपस्वी महापुरुष संत रहते हैं। साधो न्यासिन शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावनाहा हरंते अघमते अंग संगात ते स्वास्ते यज्ञ हरि। मां ऐसे ऐसे त्यागी तपस्वी साधु संत महात्मा जिन्होंने लोक परलोक की संपूर्ण कामनाओं का त्याग किया है, जिनका जीवन केवल लोकोपकार के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए, ऐसे निष्ठावान त्यागी तपस्वी महापुरुष जब आएंगे और आपके भीतर में स्नान करेंगे और जो ही उन संतों के चरणों का स्पर्श आपके जल को मिलेगा, बस इतने में सारे पाप समाप्त हो जाएंगे।
सब पाप मिट जाएंगे। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, मातृशक्ति, अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा, मैं यही निवेदन करना चाह रहा था कि भगवान संतों और भक्तों को बहुत महत्व देते हैं। आग लगी आकाश में झरझर परे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। काम की, क्रोध की, लोभ की, राग की, द्वेष की, मत्सरता, ईर्षा की आग के अंगारे भीतर में धधक रहे हैं। भीतर में ये महापुरुष न होते तो भीतर की आग जला करके कोयला कर डालती, खाक कर देती, कहां शांति मिलती संसार में। धंडे है मारवाड़ की भूमि, और उसमें भी विशेष करके ये जोधपुर, मुझे तो जोधपुर एक अन्य नगरों की तरह शहर नहीं लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कोई तीर्थ स्थान है पूरा शहर। झूठी बड़ाई मैं कभी नहीं करता, मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं आज ही ब्रह्मचारी जी से कह रहा था, अभी भजन सुनोगे इनका एक, कि शायद ही कोई ऐसा शहर होगा इतने सारे संतों के आश्रम और संत किसी अन्य शहर में रहते हो। शायद यदि कि यहां के आश्रमों की गिनती करें तो जोधपुर में सैकड़ों आश्रम मिल जाएंगे। सारे संतों को इकट्ठा करेंगे तो महाराज जी कितने होंगे, बड़ी संख्या में महापुरुष होंगे यहां पर। सचमुच में यह भूमि बड़ी पवित्र भूमि है, पावन भूमि है। मैं तो इस भूमि में आकर के सचमुच में अपनी वाणी को पवित्र कर रहा हूं, मैं अपने जीवन को पवित्र कर रहा हूं, मैं तो इस पवित्र भूमि में साधना का आनंद लेने के लिए आता हूं। बड़ा अच्छा लगता है, और महाराज श्री जी का जो प्यार और स्नेह है, प्रेम है, ये काफी पुराना हो चुका है। कई समय से महाराज जी का बड़ा स्नेह रहा। अब महापुरुष तो महापुरुष, जब भी हम महाराज जी से आग्रह किया, हाड़ोती पहुंच गए, बूंदी में माहिरा की महाराज जी ने कथा सुनाई, ओहो आज भी लोग महाराज जी बहुत याद करते हैं। हमारे आग्रह पर महाराज जी ने केकड़ी में कृपा की, और अभी थोड़े दिनों पहले मही के अंतिम सप्ताह में भीलवाड़ा जिले में बिझोलियां है, महाराज जी भागवत जी की कथा कर रहे थे, शकरगढ़ आश्रम में भी भागवत कथा चल रही थी। मुझे पता चला कि महाराज जी पधारे हुए हैं। मैंने दूरभाष पर महाराज जी को कहा कि महाराज जी भागवत कथा चल रही है और थोड़ी देर के लिए आप दर्शन दें, यद्यपि आप भी व्यस्त हैं वहाँ पर, लेकिन थोड़ा समय निकालें तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, दर्शन करके लोग धन्य होंगे। इतने सरल महाराज, यही तो संतों के लक्षण है। मैंने कहा महाराज जी आप पधारे, महाराज जी ने कहा मैं शाम को आऊंगा, रात्रि विश्राम आश्रम में करूंगा और कल कथा सुन करके फिर वापस आऊंगा। ये है संतों की सरलता, ये है कि साधुत्व है। इसलिए ऐसे ऐसे संतों के पीछे भगवान को चलना पड़ता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जहां सरलता है, सात्विकता है, निर्मलता है, ऐसे संत भगवान को प्यारे लगते हैं। उनके तो भगवान भी पीछे पीछे फरते हैं, तो बाबा आप और हम पीछे आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर के, और महाराज जी का आदेश पा करके अपनी वाणी पवित्र करने का एक अवसर मिला है। मैं तो वाणी तो आज्ञा का पालन कर रहा था, लेकिन सचमुच में ये भाव भरी कथा सुन करके बहुत ही आनंद हो रहा था। समय तो बहुत हो रहा है, लेकिन ब्रह्मचारी महेंद्र चैतन्य जी आश्रम के ब्रह्मचारी हैं, और अमृतराम जी महाराज, इन दोनों का बड़ा प्यार है। तो चलिए एक भजन ब्रह्मचारी जी से आप सुन लें, फिर महाराज जी की कथा सुनेंगे। आज मैंने आपके बीच में आकर के डिस्टर्ब किया, तो मैं आग्रह करूंगा महाराज जी से 10 मिनट ज़्यादा भी ले लें, 10 की बजाय 10-10 पर छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो थोड़ी नींद ही बिगड़ेगी, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। सच्चिदानंद भगवान की,
निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयत्यं ग्रिरेणुभिः उधो मुझे संत सदा अति प्यारे उधो मुझे संत सदा अति प्यारे जाऊं संतन मुझसे नारे
जान संतन मुझसे न्यारे, उधो संतन मुझसे न्यारे। के सानिध्य में आज हमें महलों में अंगना, अंगने में पलना, पलने में झूले देखो यशोदा का ललना। बहुत ही सुंदर आज का मनोरथ है। भक्ति भावना से आज आप सभी लोग दर्शन लाभ लेंगे। महल का आंगन अशोक बिल्डर्स, बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने एक मकान का नक्शा लाकर ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दिया। एक बार अशोक जी के लिए दोनों ऊपर हाथ उठाकर स्वागत अभिनंदन करें। एक सुंदर भावना प्रभु चरणों में आपने अर्पित की। कल का मनोरथ रहेगा बहुत ही सुंदर, जरूर आप लोग दर्शन करें। यमुना जी में ठाकुर जी कल नौका विहार करेंगे, बहुत ही अद्भुत कल का नजारा रहेगा। कोई भाई बहन वंचित नहीं रहे। मेरा निवेदन है अधिकाधिक संख्या में पधार करके आप लोग दर्शन लाभ लेंगे। आज का दर्शन जरूर आप लोग करके ही पधारें। आज हमारे बीच में पावटा लाल मैदान बालाजी मंदिर से सभी सत्संगी पधारे हैं। श्री नरपत जी कछुआ, श्री कैलाश जी, श्री महेश जी जाजड़ा, मास्टर साहब दिनेश जी, आप सभी का बहुत बहुत सम्मान। श्री आसाराम जी लड्ढा और साथ में ही मुकुंद जी सोनी, आप भी पधारे, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद और सम्मान। अलका जी आप भी आए, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। मैं आरती के लिए निवेदन करूंगा। सत्यनारायण जी लोहिया, सुगंध जी सोनी, जयप्रकाश जी राठी खुडियाला, सुनील जी विश्नोई,
मनीष जी, विशावा मोनी जी, रमेश जी लोहिया, मानव जी, अलका जी, नरेंद्र सिंह जी, जेठमल जी लोहिया, आर एस थापा जी, श्री नरपत जी कछुआ, महेश जी जाजड़ा, दिनेश जी जाजड़ा, कैलाशदान जी चारण, आसाराम जी लड्डा, रेखा जी लोहिया राठौड़ साहब, मदन जी राठी रातानाडा, भगवती लाल जी कपूरिया, कुंती जी देवड़ा, ममता जी राठी, नंद किशोर जी साहा सहपत्नी, कुलदीप सिंह जी परियार, सुदीप जी परियार, आप सभी से निवेदन है आरती के लिए ठाकुर जी के चरणों में पहुंचे। आज सभी हरिभक्तों से निवेदन है दर्शन लाभ लेकर ही पधारे, और कल का मनोरथ रहेगा बहुत ही सुंदर यमुना जी में ठाकुर जी का नौका विहार। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, मोहन ब्रिज चंद राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन समंग कांति काली कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक मय मोर मुकुट दिल से जटा के बीच हरे अघ की चरण छवि श्री पतवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु चांदनी चंद कटत भव तेर सुनती तारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। वंशी वाले की मैं निवेदन कर रहा हूं लोहिया परिवार से पधारें।